हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स, वर्तमान सीएचएससी द्वारा गोटे नुआ नोटिफिकेशन जारी करा जाइछि। एनुअल हायर सेकेंडरी स्पेशल एग्जामिनेशन 2021 रो प्रोग्राम बा एग्जाम डेट्स गुड़िक इश्यूज कर देइछन्ते सेमाने। ओके, सो वर्तमान मु तुम्हारा सहित गोटे पीडीएफ शेयर करी एवं समस्त को सजेस्ट करी जे बहु मात्रा रे इनफॉरमेशन्स टी को समस्त सहित शेयर करो, सो दैट जो पाखे इनफॉरमेशन्स पहुँच पारुना से पाखे इजिली पहुँच पार। फाइन, सो डेरी न करी पीडीएफ टी को देखिनबा। ओके फ्रेंड्स, सो पीडीएफ टी आसी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन्स ओडिशा, जो पिलामाने ऑफलाइन मोड एग्जाम बा एनुअल हायर सेकेंडरी स्पेशल एग्जामिनेशन 2021 पे निजकु रजिस्टर करैथिले, सेमानकर एग्जाम डेट वर्तमान आसी जाइछि। 14 तारीख दिन एई 14 सेप्टेम्बर 2021 को इनफॉरमेशन्स टी छोडा जाइथिला। आमर गणमाध्यम रे टीवी रे ओ टीवी रे मध्ये इनफॉरमेशन छोडा जाइथिला, किंतु पर्टिकुलर को डेट रे को पेपर एग्जाम हबो, केतेटा पेपर एग्जाम हबो, ए रिलेटेड किछि सटीक इनफॉरमेशन्स आमे पाइ नथिलु। लास्ट डे माने यस्टरडे, आमर सॉरी यस्टरडे 15 सेप्टेम्बर 2021 को यही नोटिफिकेशन टी सीएचएससी वेबसाइट रे अपलोड करी चंती। सो सही नोटिफिकेशन बेसिस रे मु तुमको इनफॉरमेशन प्रोवाइड करूची। फाइन, सो शॉर्टली कहवा को गले आमर एग्जाम स्टार्ट हबो October 1, 2021 एवं एग्जाम टी एंड हबो 11th of October 2021। यार भीतर ही आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स पिलांकर जहाँ भी पेपर्स रही जो पिला माने सब रजिस्टर करथिले सेमानकर एग्जाम टी हबो। बुझीला, पैटर्न सेम रहिबो जोटा आगुरु थिला। ओके, सो वर्तमान देख मु देखे दूची तुमको, मु जेहेतु कॉमर्स टीचर सो मु कॉमर्स विषय एठार इनफॉरमेशन्स दूची। तुम्हें माने पीडीएफ रु निज निज स्ट्रीम एवं निज निजर पेपर्स गुड़ी को निजे कलेक्ट कर पारिबो, सो देखी पारिबो। फाइन, ओके, सो एठारे देला द प्रोग्राम ऑफ द एनुअल हायर सेकेंडरी स्पेशल एग्जामिनेशन 2021 इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स इन नोटिफाइड हियर विथ फॉर इनफॉरमेशन ऑफ ऑल कंसर्न। सो देख पिले एठारे आमको डेट एवं डे दे देला हम ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, तुम रजिस्ट्रेशन 2016-19 भितर कर कि 2015 रजिस्टर्ड पिला तुम्हें ताहादेला, स्ट्रीम देदेला साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की वोकेशनल। सो तुम्हें निजर कैटेगरी अनुसार निजर चेक करो दिन एग्जाम्स अच्छी। ओके, सो देख एठारे सबुतु महत्वपूर्ण जिनस है एग्जाम टाइम आमर 10:00 गोटे भितर रईन्स पिलांर, आर्ट्स पिलांर, कॉमर्स पिलांर ए प्लस तुम्हार जो वोकेशनल स्ट्रीम्स अच्छा से मानकर 10:00 to 1:00 गोटे भितर तुम एग्जाम 3 आवर्स हम। ओके, तुम्हें निजे निजर चेक कर तुम कौ कैटेगरी आसुच। जदि तुम्हें 2016-19 रजिस्टर्ड पिला ताले एई रो रे तुम इनफॉरमेशन्स पाई। जदि तुम्हें 2015 जाए रजिस्टर्ड पिला, 2015 जाए रजिस्टर्ड पिला अच्छा तुम एई रो रे इनफॉरमेशन्स मिली। सो से अनुसार तुम्हें देखिनब एठार जो लिखा जा R/E तमें रेगुलर एंड एक्सरेगुलर। ओके, सो आई थिंक जो लास्ट ईयर पिला माने भी अच्छे ए वर्ष जो माने मार्क सैटिस्फाई भी ना हो रजिस्टर करिछो से माने एही सब कैटेगरी आसीबे। 2015 किंबा ता पूर्व पिला उडा को सब एही कैटेगरी अंडर रे आसीबे। फाइन, सो तुम्हें तुम देखी दियो आमर कॉमर्स पिलांकर अकाउंटिंग पेपर एग्जाम हम, देन 1 तारिख में अकाउंटिंग अच्छी, देन गोटे दिन गैप छाड़ी 3 तारिख दिन देख संडे रे भी एग्जाम हम। तुम्हें भाविबनी संडे हॉलिडे एग्जाम हबनी बोली, ना संडे रे भी एग्जाम तुम हम। बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट रही, देन 4 तारिख एग्जाम नहीं, 5 तारिख दिन पिले तुम इंग्लीश पेपर रे एग्जाम हम, देन 7 तारिख दिन आमर कौन पेपर नहीं, 8 तारिख दिन आमर अच्छी पिले बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ तुम 16-19 बैच एंड 15 अंडर जो बैच आसुचंदी से माने, देन तुम लास्ट को आस देख 11th October। 11th October रे एम आई एल ओडिया पिलांकर एग्जाम अच्छी। ओके, बा तुम जदि एमआईएल अदर एमआईएल किसी सब्जेक्ट अच्छी उर्दू तेलुगु सेगुड़ी को मध्य से डेट रे ही हम। तो से ही अनुसार तुम्हें आर्ट्स एवं साइंस एवं वोकेशनल स्ट्रीम पिला निज निजर शेड्यूल चेक कर पारिबो कौ कौ दिन एग्जाम अच्छे। देखिए कॉमर्स पिला जे आमर गोटे पेपर रो एग्जाम होउनी, जो लास्ट पेपर आमर थिला देखो एमआईएल आउ इंग्लिश तो कंपलसरी अच्छी, अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट
ଏଇଟା ବି ଆମର କମ୍ପଲସରୀ, ଆକାଉଣ୍ଟେନ୍ସି ବି କମ୍ପଲସରୀ। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଆମର ଥିଲା କାହାର କଷ୍ଟିଂ, କାହାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, କାହାର ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତ ଦେଖ ସେଇ ପେପରର ସେଡ୍ୟୁଲ ଏଠାରେ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ସେ ପେପରର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ। ସୋ ଗୋଟିଏ ପେପରକୁ ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରାଗଲା। ଓକେ, ସୋ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାଙ୍କ କଥା ତ କହିପାରିବିନି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ତୁମର ପେପର ଚେକ୍ କର, ଦେଖ ତୁମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପେପର ତ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ ଥିବ, ତୁମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଲା, ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଲା। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହାର PDF ଦରକାର ପିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ CHSEର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କମର୍ସ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼, ସେ କମର୍ସ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମକୁ ଏଇ PDFଟି ମିଳିଯିବ। ଫାଇନ୍, ତଳେ ଦେଖ ଦେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବମିସନ୍। ସୋ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି 22/9-29/9 ଭିତରେ, ମାନେ ୱେଡ଼ନେସ୍ଡେ ଟୁ ୱେଡ଼ନେସ୍ଡେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଏଇଟାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଛି ନୋଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି ଏଠାରେ ଦେଖ, ଇଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସବମିଟେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଆନୁଆଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ 2021 ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ଼, ଦ ସେମ୍ ମାର୍କସ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ଦି ଆନୁଆଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ 2021। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତୁମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ସବମିଟ୍ କରିଦେଇଛ କଲେଜରେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯାହା ମାର୍କ ଆସିଥିଲା ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠାରେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ବଟ୍ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ତୁମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା କଲେଜରେ, ତୁମେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରିନ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତୁମକୁ 22-29 ଭିତରେ ନିଜ କଲେଜରେ ଯାଇକି ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପେପର ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ସ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦି ଡେଟ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଆଜ୍ ହଲିଡେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ସେହି ଡେଟ୍ରେ ହେବ। ଯଦି ବି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ହଲିଡେ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆମର 3rd September ସନ୍ଡେ ଆସୁଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଥିଓରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପେପର୍ସ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପେପର୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ସେହି ପେପରରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ପେପରର ନାଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ତୁମେ ଧରିନେବ ଯେ ସେ ପେପରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ। Number 3, candidates with subject combinations are required to appear in all the subject or papers in which examination is going to be held as per the program notified. ତେଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପେପର୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପେପର୍ସ ବା ସବଜେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପେପର୍ସରେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଧର 5ଟା ପେପର ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କି 2ଟା କି 3ଟା ପେପରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ସେମିତି ନୁହଁ ପିଲେ। ଯେତେଟା ପେପରର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେଟା ପେପର ତୁମେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 4th point, ମାର୍କ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ଇନ୍ ଦ ରିମେନିଂ ପେପର୍ସ ବେସିଂ ଅନ୍ ଦେୟାର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆନୁଆଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ 2021, ଦ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଏଡ଼ ବାଇ ଦି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ। ତା ମାନେ ଯେତିକ ବି ପେପର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ। ଯଦି କୌଣସି ପେପର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ପେପର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ତା ବେସିସ୍ରେ ରିମେନିଂ ପେପରର ମାର୍କ କରାଯିବ। ଓକେ, ଏବଂ ୟା ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ CHSE ପଛରେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ବି CHSEର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବି। ନେକ୍ସଟ 5 number କହିଲା, ଅନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଟୁ ଅକୁପାଏ ଦେୟାର ସିଟ୍ସ ବାଏ 9:30 AM। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ 5 number ପଏଣ୍ଟକୁ। ତୁମକୁ କଲେଜରେ ବା କଲେଜରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ତୁମର ଥିବ, 9:30 AM କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ତୁମକୁ ଯାଇକି ତୁମ ସିଟ୍ରେ ବସିବାର ଅଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁକ୍ ଟୁ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ଼୍ ବିଟୱିନ୍ 9:30 AM ଆଣ୍ଡ 9:45 AM। ଓକେ, ତା ମାନେ ସେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି 9:30 ଭିତରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସିଯିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାହା ତୁମକୁ 9:30-9:45 ଭିତରେ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। 9:45 ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ 15 minutes ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। 15 minutes ପରେ ମାନେ ସମାନ 10:00 ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଏଠାରେ କହିଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସପ୍ଲାଏଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଦ କରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ବିଫୋର୍ ରାଇଟିଂ।
तेणु 15 मिनट जो क्वेश्चन पढ़ाप दिया जाए से तुम देखे तुमको ठीक क्वेश्चन पेपर दि जाइए एमती नुहे तुम फिजिक्स एग्जाम दिन तुमको केमिस्ट्री पेपर मिलगला कि तुम इकोनोमिक्स एग्जाम दिन एजुकेशन पेपर मिलगला कि तुमको अकाउंट्स एग्जाम दिन तुमको बिजनेस स्टडीज क्वेश्चन मिलगला से तुम्हें ठीक भाव में चेक कर नब द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू राइट आंसर फ्रॉम 10 AM अनवर्ड्स जोटा कि तुमको कहली। पॉइंट नंबर 6 कहला द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अंडर द सीसीटीवी सर्वेलेंस द सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डू द नीडफुल इन दिस रिगार्ड विल वेल इन एडवांस ऑफ द एग्जामिनेशन। तेणु तुम जो एग्जाम दबो सीसीटीवी सर्वेलेंस अंडर रे दबो तेणु जो सेंटर जो एग्जाम हम तर सुपरिंटेंडेंट को कह जाए दायित्व जो से चेक चेक करेंगे एग्जाम पूर्व जो सठिक सब सीसीटीवी ठीक भाव में चलू ना चलूनी ओके से रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट 7 पॉइंट कहला द एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी सेक्शन ए ऑफ बॉटनी सेक्शन बी ऑफ जूलॉजी फॉर रेगुलर साइंस स्टूडेंट्स विल बी हेल्ड इन ए सिंगल सिटिंग विथ ए गैप ऑफ 20 मिनट्स। सो साइंस पिलांको पाई इनफॉरमेशन टी आसी बायोलॉजी पिला बॉटनी रो सेक्शन ए जूलॉजी रो सेक्शन बी से जो रेगुलर पिला अच्छा से गोटे दिन में एग्जाम हम बस 20 मिनट्स गैप रे हम कहार आगुआ हम कहार पछुआ हम बट 20 मिनट्स गैप रे एग्जाम टी हम। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 सेपरेट क्वेश्चन पेपर हैव बीन सेट फॉर द एक्स रेगुलर कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड अप टू द ईयर 2015 एंड फॉर द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फ्रॉम 2016 टू 19 ता माने 2015 भितर जो रजिस्टर्ड एक्स रेगुलर पिला अछंती से मानको पई गोटे टाइप रो क्वेश्चन पेपर रहइबो पैटर्न सेम रहइबो बस क्वेश्चन चेंज रहइबो एवं 2016 रु 19 भितर जो पिला अछंती तांको पैटर्न सेम रहइबो यांकर जतिकिटा लॉन्ग क्वेश्चन जतिकिटा शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो तांकर भी से आसीबो बट क्वेश्चन चेंज रहइबो। फाइन जदि तुमको पचारा रामायण जदि पचारा तुमको महा सपोज रावण को मृत्यु केमी जन को पचारिदेव आउ जन को पचारिदेव सीताहरण केमी बट दुटा जाए कि तुम रामायण ही क्वेश्चन पैटर्न सेम रहा। सेंटर्स ऑफिशियल्स एंड इंडिविजुलेटर्स आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूट करेक्ट क्वेश्चन पेपर टू द स्टूडेंट्स रंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन पेपर टू द कैंडिडेट विल बी व्यूड सीरीयसली। तेणु एटा तुमर सेंटर ऑफिशियल एवं इनविजिलेटर दायित्व से माने चेक करेंगे जमी स्टूडेंट्स मानक सठिक क्वेश्चन मिली जदि कौन भूल क्वेश्चन मिली से माने सीरीयसली ने आगक कहुदी किसी भूलभाल अच्छी क्वेश्चन रे मिस्टेक अच्छी किसी भी मिसप्रिंट होके आसी से इमिजिएटली तुम CHSE रो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को कंटाक्ट करेंगे ओके। सो पॉइंट नंबर 9 कहला द प्रैक्टिकल रेकर्ड्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा विल बी इवालुएटेड बाय दि कंसर्न्ड हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज एज पर दि क्राइटेरिया नोटिफाइड अंडर अल्टरनेटिव असेसमेंट क्राइटेरिया वाइड नोटिफिकेशन नंबर 2526 डेटेड ऑन 18 June 2021। तेणु जो पिला माने पूर्वरु प्रोजेक्ट रिपोर्ट किंबा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सबमिट करिनथिले वर्तमान सबमिट कले से प्रैक्टिकल इवालुएशन केमिति हबो ना 18 June 2021 रे जो नोटिफिकेशन टी आसीथिला प्रोजेक्ट वर्क को इवालुएशन करबा पई जो अल्टरनेटिव असेसमेंट क्राइटेरिया दिया जाइथिला सेही बेसिस रे तांकर जो इवालुएटर इंटरनल एग्जामिनर एमाने सब इवालुएट करिवे। सो प्रोजेक्ट वर्क को भी इवालुएट करिवार प्रोसीजर सेम रहइबो। मिस्टेक्स 10 नंबर कहला मिस्टेक्स डिटेक्टेड इफ एनी जदि कौन मिस्टेक डिटेक्ट करा जाऊ इन द प्रोग्राम शुड हाउ एवर बी ब्रट इन टू द ब्रट टू दि नोटिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इमीडिएटली। तो जदि कौन मिस्टेक देखा जाए इमीडिएटली इनविजिलेटर कॉलेज सेंटर बा एग्जामिनेशन सेंटर ऑफिशियल्स CHSE कंट्रोलर सहित जोजोग करेंगे ओके। सो ये पिले कि इनफर्मेसन सो तुम मानक आईदर मे बी नुआ एडमिट कार्ड इश्यू करा जाए पारे न पारे से कथा मु पर्टिकुलरली कही पारुनी। सो तुम मैंने इनफर्मेसन पाई सारा पर इमिजिएटली प्रथम काम तुम हायर सेकेंडरी स्कूल सहित जोजोग कर जे सर आम मानक कि नुआ एडमिट कार्ड इश्यू करा कि ना एवं जदि तुम किसी पर्टिकुलर क्वेरी अच्छी ताहले तुम्हें तुम हायर सेकेंडरी स्कूल सहित जोजोग कर क्लीअर कर दि एवं रेडी जाओ तुम 1 तारीख रु एग्जाम स्टार्ट हे। सो समस्ते निज निजर चार्ट बन दि कौ कौ दिन तुम पेपर सब अच्छे फाइन। सो फ्रेंड्स यही इनफर्मेसन CHSE द्वारा आसी जदि आग को किसी नुआ इनफर्मेसन आसवे मुँह तुम मान सहित सेयार करी शेष कहबी जदि तुम्हें इनफर्मेसन को संपूर्ण देखीच ताले या प्रचुर मात्र समस्त सहित सेयार कर बिकज बहुत पिला ठीक समय इनफर्मेस पहुंची पारू ना ओके। धन्यवाद देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।